Assalamualaikum. Welcome to our channel Tour with Taste. बहुत ही अच्छे बात आप सबसे मुलाकात हुई. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे और इंजॉय भी कर रहे होंगे साथ साथ. अल्हम्दुलिल्लाह दोनों शहर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से चैनल को लेके चल रहे हैं. तो आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक चॉकलेट स्पंज केक की रेसिपी लेके. ये ऑन डिमांड थी और ये बर्थडे का केक है. चॉकलेट स्पंज केक बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है? चॉकलेट स्पंज केक बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए हैं 12 अदद अंडे. इसके साथ हमने लिया है मैदा 400 ग्राम. आइसिंग शुगर लिए हमने 400 ग्राम. चॉकलेट पाउडर लिया है हमने 150 ग्राम. वनीला शुगर लिए हमने 15 ग्राम. बेकिंग पाउडर लिया है हमने 10 ग्राम. बेकिंग सोडा हमने लिया है 15 ग्राम. इसके साथ हमें चाहिए नमक. नमक आप दो चुटकी भी ले सकते हैं. बेकिंग के लिए यहाँ पे मैं आपको छोटी सी टिप देता चलूं. बेकिंग के लिए सबसे पहले जो आपका काम है ना वो ये है कि आपने करना है मेजरमेंट. मेजरमेंट किस चीज से आपने करना है? हमेशा ग्राम्स में करना है मेजरमेंट. जब आप ग्राम्स में मेजरमेंट करेंगे तो आपकी बेकिंग बहुत ही जबरदस्त होगी और आपका केक जो है वो स्पंजी बनेगा. उसके बाद अगर आप कप वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो कप में आप बिल्कुल लाइट रखें कोई भी चीज, उसे प्रेस वगैरह ना करें, तो इससे भी आपको जो है वो हेल्प मिल सकती है. लेकिन आपने जितनी भी बेकिंग करनी है कोशिश यही करें कि ग्राम्स में करें. तो चलते हैं, अब इन सब चीजों को एक साथ छानते हैं. छानने के बाद जो अंडे हैं हमने वो बीट करते हैं. तो ये जितनी भी चीजें हैं सबको मैं छान लेता हूं. छानने से ये होगा कि लम्स वगैरह जो है वो नहीं पड़ेंगे और आपका केक जो है वो स्पंजी बेक होगा. जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो सारे हमने छान लिए हैं और अब हम चलते हैं अंडे बीट करते हैं. ये अंडे हैं जितने भी हैं ये हमने डालने हैं मशीन में और इन्हें अच्छी तरह से तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हमने इन्हें बीट करना है. चार से पांच मिनट हमें अंडे बीट करते हुए हो गए हैं. अब मैं ये मेन स्टेप है जो आपको बता रहा हूं. हमने वक्फे वक्फे के साथ शुगर डालनी है और इसे थोड़ा थोड़ा करके हमने बीट करते जाना है. ये मेन इंपॉर्टेंट स्टेप था जो मैंने आपको डिटेल वाइज बताया है. ये प्लीज ये करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा जो स्पंज है वो फ्लफी बनेगा. ये देखें हमारा अंडे का बैटर जो है वो बड़ा ही जबरदस्त फ्लफी हो गया है. ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फॉर्म कितना अच्छा बन रहा है. अब मैं इसमें जितनी भी शुगर बाकी बची है वो मैं सारी डाल के इसे अच्छे तरीके से बीट कर लूंगा. अल्हम्दुलिल्लाह जी चीनी और अंडे हमने अच्छी तरह से बीट कर लिए हैं और ये देखें कितना स्पंजी बना है हमारा बैटर. अब मैं इसे जितनी भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे मैं उनमें मिक्स करूंगा वक्फे वक्फे से. ये देखें आपका बैटर ऐसे होना चाहिए. ये कितना फॉर्म और फ्लफी बना है. अब क्या होगा कि ये बैटर जो है वो मैं थोड़ा थोड़ा ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे मैं उसमें डालूंगा और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे मिक्स करूंगा. अगर मैंने एक ही दम कर लिया इसे मिक्स तो ये हमारा बैटर अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा और आपने लाइट हाथ से इसे मिक्स करना है.
आपने इसे जितना हाथ नरम रखना है उतना ही अच्छा ये स्पंज बनेगा। केक का बैटर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तैयार हो चुका है और ये देखें कितना ही जबरदस्त तैयार हुआ है। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगा और ऑयल में आपको बताना भूल गया था, ये ऑयल है 300 मिलीलीटर। अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स करूंगा, वो भी हल्के हाथ से। अब ये देखें इसमें कितनी शाइनिंग आ गई है ऑयल डालने से। ऑयल और नमक इसलिए डाला जाता है इसमें जो अंडे की स्मेल है वो खत्म हो जाती है। बैटर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है और ये देखें कितने जबरदस्त बबल बने हैं। इससे मुराद ये है कि आपका बैटर बहुत ही अच्छा बना है। अब मैं इसे बेकिंग फॉर्म में ट्रांसफर कर लूंगा। अब मैं इसे बेक करता हूं 30 से 35 मिनट तक 180 डिग्री पे। हाय वंस अगेन, अल्हम्दुलिल्लाह केक हमारा बेक हो चुका है, हमने इसे ठंडा भी कर लिया है और बहुत ही अच्छा ये केक बना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। जी हाँ, ये है हमारा चॉकलेट स्पंज केक। उम्मीद है आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आएगी, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, और आप ये देख सकते हैं इसका स्पंज। मुझे यकीन है कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त पहुंच सके। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।